दोस्तों WhatsApp में जब से नई प्राइवेसी पॉलिसी आया है तब से लेकर अब तक WhatsApp अपने यूजर के लिए नए नए अपडेट लेके आ रहे हैं और नए नए फीचर लेके आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप WhatsApp यूजर हैं तो इस वीडियो में हम आपको WhatsApp के नए फीचर के बारे में बताएं। WhatsApp ने आज ये अनाउंसमेंट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कि WhatsApp में जो है नया फीचर आ चुका है। यदि आप WhatsApp यूजर हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम WhatsApp के नए फीचर के बारे में बताएंगे और वीडियो काफी नॉलेजेबल है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप अपने WhatsApp को एक फोन में चलाते हैं, इस फोन के अलावा और कोई दूसरे डिवाइस में जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कोई दूसरे फोन में आप अपने WhatsApp को इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको WhatsApp के नए फीचर के बारे में बताएंगे जो कि आज ही WhatsApp ने अपने ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट से यह ट्वीट करके हम लोग को जानकारी दिया है कि आप अपने इस WhatsApp में नए फीचर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस फीचर को आप अपने WhatsApp में कैसे यूज कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैसे आप नए फीचर को अपने इस WhatsApp में यूज कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं लॉबतर का यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस लाल वाले बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के बटन दबाकर ऑल पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को यहां से लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि WhatsApp में जो नया फीचर आया है वो कौन सा फीचर है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि दोस्तों आप अपने WhatsApp का इस्तेमाल अपने इस फोन में करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने WhatsApp का इस्तेमाल कोई दूसरे डिवाइस में करना चाहते हैं जैसे कि कोई अदर डिवाइस में, जैसे उसके लिए आपको WhatsApp वेब पे जाना पड़ता है, ठीक है। WhatsApp वेब पे जाने के बाद दोस्तों आपको यहां पर लिंक ए डिवाइस का ऑप्शन मिलता है जिस पे अगर आप क्लिक करते हैं यहां पे दोस्तों आपको QR कोड करने का एक ऑप्शन आता है जो कि आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे, किसी दूसरे डिवाइस में अगर कनेक्ट करना होगा तो उसका मोबाइल लेकर के और यहां पे ओके कर करके उसको आप स्कैन करते हो तब जाकर के आपका ये WhatsApp वेब ओपन होता है किसी दूसरे डिवाइस में। लेकिन दोस्तों अब WhatsApp में यहां पे नया फीचर जल्द ही आने वाला है जो कि आज ही ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करके ये जानकारी दिया है कि यदि आप इस फीचर का इस्तेमाल करते हैं ना तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पे क्लिक करना होगा और आपको सबसे पहले अपना फेस स्कैन करना होगा, यानी कि आप फेस लॉक लगाते हैं ना अपने मोबाइल में या फिंगर लॉक, उस तरह से आपको पहले एक फेस लॉक लगाना होगा। अगर आप उस फेस लॉक से अपने डिवाइस को कनेक्ट करोगे तब जाकर के आप इस फोन को किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। इससे क्या फायदा रहेगा दोस्तों कि आपका WhatsApp हमेशा सेफ रहेगा। कोई भी व्यक्ति पहले आपका मोबाइल लेकर के आपके WhatsApp को ओपन कर करके थ्री डॉट में जाकर के WhatsApp वेब में जाकर के आपके WhatsApp वेब को स्कैन कर सकता था। आपके WhatsApp को स्कैन करने के बाद आपके WhatsApp का सारा डेटा उसके पास। अब जो है दोस्तों आपको WhatsApp में यहाँ पे नया फीचर जल्द ही देखने को मिलेगा, वो है फेस लॉक, जो कि आप अपने पहले फेस या फिंगर लॉक से पहले इस डिवाइस को ओपन करेंगे तब जाकर के आप किसी डिवाइस में इस WhatsApp वेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो WhatsApp के नए फीचर है जो कि WhatsApp ने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट करके जानकारी दिया है जो आप लोग को जल्द ही अपने WhatsApp में मिलने वाली है। अगर आप WhatsApp बीटा इस्तेमाल करते हैं तो जल्दी से WhatsApp को अपडेट कीजिए, आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।